असल के फलहाल हबीबी जांग सलाम नमस्ते हेलो हाय जान से पहले दोस्तों सारे के सारे दोस्तों दिल के से आपका वेलकम करते हैं तो दोस्तों आज आपका भाई आपके साथ मिक्स अचार के ओपनिंग यानी के ओपनिंग में आपके सामने पेश करने मेरा मतलब है कि लेकर आया है तो पब्लिक हमने सोचा कि हमारे पास कुछ यूसी ही पड़े थे तो हमने कहा चलो मेक्सिट ओपनिंग करते हैं तो हम इस बड़े मुंह वाले यानी कि सेम लाइक मी तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और देखते हैं कि हमारी जो है ये बड़े मुंह वाला बाहर आता है या नहीं अभी तक तो नहीं आया तो देखना ये है कि हमारी अब ये दो तीन स्पिन हो चुकी हैं और हम इसी तरह आवाज़ लगाएंगे बैराम सैली तो अभी तक नहीं आया यानी कि हलीम हो गई है तैयार क्योंकि हमारा है ये मिक्स आचार तो पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तीन चार स्पिन के अंदर निकाले यानी कि दो हज़ार यूसी भी नहीं लगे और हमारा ये बड़े मुँह वाला बाहर तो हमारे पास कुछ पॉइंट पड़े हैं लेकिन हम नहीं करेंगे हम जाएंगे एन अदर कि हमारे पास क्या होता है तो पब्लिक देखना ये है कुछ भी नहीं मिला पब्लिक क्योंकि मुझे यहाँ से एक मेथिक चाहिए था बाकी सब तो है लेकिन मैंने एक जो चाहिए अगर वो निकल आता है तो मेरी लक बहुत अच्छी चलती है तो आ, नहीं पब्लिक ये भी निकला और आहा, प्लेन की स्किन है और ये एक बैक पैक निकला हमारा अलहमदुल्ला ग्री राज की मजा लीजिए मजा लीजिए मजा दो में से एक सूट का मिथिक मजा लीजिए दो में से एक सूट का मिथिक मजा लीजिए हर क्रेटोपनिंग में पब्लिक हमने किया है दो दो मिथिक यानी के अगर हमने क्लासिक लिया तो एक दो में और अगर हमने कॉस्टूम लिया तो एक दो में अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदल्ला लाजेंडरी तो निकलते रहते हैं और पब्लिक ये हुआ था बिंदास किस्म का ओपनिंग तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या निकलता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने निकाला गोल्डन स्पाइंडर और हमारा गोल्डन स्पाइंडर निकल चुका है और मजदूर जाते हैं आगे और देखते हैं कि ये हमारी कितनी बजाएंगे और हम इनकी कितनी बजाएंगे ये तो होता रहेगा और मुझे नहीं लगता ये कुछ और देने वाले हैं लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे पब्लिक और एक और एरोप्लेन की थकी हुई जो है हमें मिल चुकी है हाँ। क्या क्या नहीं करना पड़ता क्रिएट ओपनिंग के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता तो पब्लिक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ और मिलेगा लेकिन हम करते जाएंगे और इस वक्त और इस दफा क्या निकलता है झंड भी नहीं निकला हमने क्या क्या किया है तुम्हारे लिए यानी लाखों लुटा के उबार दिए हाय कितनी दुखी कहानी है पकाने ले लो पकाने सुआ नीला पीला पकाने ले लो तो मतलब हमारे साथ तो यही होता है पब्लिक ये डांस करता जाता है और मेरा दिल जलाता जाता है लेकिन हम बे बड़े ढीठ हैं कुछ ना कुछ करेंगे जरूर और होगा क्या ये तो आप ही देखिएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है तो हम चलते हैं किसी और केट यानी कि ये केट ओपनिंग मिक्स चार है पब्लिक और ये सिक्के थमा दिए इन्होंने हमारे मेरा मतलब है कि हाथ में तो <laughs> बाकी आप खुद समझदार है तो कोई जरूरी नहीं कि इस क्रिएट ओपनिंग से कुछ निकले और हम कहीं और चले जाएंगे यानी कि कहीं और जाकर अपनी क्रिएट ओपनिंग करेंगे इमोशंस होते हैं पब्लिक निकल भी जाते हैं तो ये देखिए पब्लिक निकली हुई तो एक लजेंडरी गन कोई बात नहीं कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही है हमें इस भी ट ओपनिंग से और क्या लेकर जाते हैं वो तो आप लोग देख ही रहे हो हाँ, बड़ी दुखी कहानी है पब्लिक और राज की जुबानी है पब्लिक ये कुछ निकलना नहीं है तो भाई लोग क्या बोलते हो कि हमें आगे जाना चाहिए ये देखिए जुल्फे दी हमें इन्होंने और दो पोनियों वाली जुल्फे लेकिन हमने क्या करना है इन जुल्फों का फिर एक ओपन कर ही लेते हैं तो लगे हाथों में सोच रहा था कि कुछ ना कुछ आना चाहिए और आ, क्या आना चाहिए ये तो आप भी देख लें और मैं भी देख ही रहा हूँ तो भाई लोग और मुझे नहीं लगता कि हमें ये देंगे हम मल्टीपल्स के ओपनिंग उप, करते जाएंगे यानी ऊपर से शुरू हुए थे और नीचे तक हम जा रहे हैं यानी कि वन से लेकर सेवन तक किसी भी क्रेट में हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही लेकिन क्लासिक क्रेट में नहीं कॉस्टम क्रेट में पबजी लकी क्रेट में हमने सारे खोल लिए और कुछ ना कुछ लेते ही जा रहे हैं तो क्योंकि इसमें से हमने कुछ निकाला और एक मिथिक तो निकाल के ही छोड़ेंगे और निकाल लिया हमने पब्लिक जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है लेकिन हम फिर भी लगे रहेंगे क्योंकि हमारा शहाना अंदाज क्या करोगे पब जी साड़ी जिंदगी तबा बलिए पबजी तो, वैसे कुछ शर्म होती है कोई आया होती है कुछ एथिक्स होते हैं जो कि आप में बिल्कुल नहीं है तो हम देखते हैं कि इस पे हमारी क्या निकलती है, हमें मिला, और भी मिली है। कोई बात नहीं और ये बैग मिला है जो कि सो बहुत क्यूट है कि मुझे पसंद आया दोबारा खोलते हैं हमारी लक बार फुल होती है देखते हैं में से और कार नाइनटी एट नाइट ऑफ रॉक यानी कि अपग्रेडेबल कार नाइनटी एट जो है हमारी निकल चुकी है पब्लिक मैंने कहा था ना यहां से नहीं कहीं और से और यह दिखलाज सेट जो कि मिथिक है पब्लिक मैंने कहा ना कि हम मल्टीप और ये कार स्किन मिल चुकी है और एक साथ मेटीरियल भी मिल चुका है और एक और सूट हमें मिला हेलमेट के साथ लेजेंडरी गन भी मिली और लेजेंडरी सूट भी अपनी तो क्रेट ओपनिंग का यही है तो सही तू नहीं तो और और नहीं तो और सही तो पब्लिक आपसे एक चीज कहना चाहूंगा इस आ, जो है होला बॉडी क्रिएट ओपनिंग में हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रैंक हुआ था लेकिन आने वाले दफ़ा करें वो पुरानी बातें हैं और दिल पे हौसला रख के मैं दोबारा इसकी रेट ओपनिंग कर रहा हूँ लेकिन देखते हैं कि क्या होता है लेकिन मैं अभी नहीं छोड़ूंगा और अपनी खोई हुई होला बॉडी वापस लूँगा दोबारा ही सही लेकिन और फोटीन मई पब्लिक चौदह मई के हवाले से मैं आप लोगों से एक चंद अशार उन माओ के लिए जो इस दुनिया में मौजूद हैं और उन माओ के लिए भी जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं मैं तमाम दोस्तों से गुज़ारिश करूँगा खासकर छोटे बच्चों से भी गुजारिश करूँगा कि अपनी माओ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करो उनका कहना मानो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करो और उनको टाइम और वक्त दिया करो क्योंकि जब हमारे पास ये नहीं होते अनमोल तोहफ़े तो हमें इनकी याद बहुत ज़्यादा आती है तो पब्लिक ही चंद अशार मेरी माँ के लिए भी और उन तमाम माओ के लिए भी जो इस दुनिया में हैं और नहीं हैं अल्लाह ताला सब को सेहत कमल ताफ़ फरमाए और जो नहीं है उनको जन्नत फरदोस में आला मकाम ताफ़ फरमाए तो ये अशार उनके लिए गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो ये एक रोकती मांगू तो दो लाती है जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है सब कह रहे हैं आज मां का दिन है ऐसा कौन सा दिन है जो मां के दिन है मां को देखकर मुस्कुरा दिया करो मां को देखकर मुस्कुरा दिया करो क्या पता किस्मत पे हज लिखा ना हो मौत के तो कई सारे रास्ते हैं मौत के तो कई सारे रास्ते हैं मगर जन्म के लिए सिर्फ एक मां और मां के लिए क्या लिखूं और मां के लिए लिखू मां ने तो खुद मुझे लिखा है दुआ असर ना करे तो नजर उतारती है दुआ असर ना करे तो नजर उतारती है मां है जनाब मां। वो कहां हार है। माँ मानती है तमाम माओ के लिए जो इस दुनिया में मौजूद हैं और जो इस दुनिया में नहीं मौजूद अपनी माओ की कदर क्या करो ये बहुत अनमोल तोहफा होता है इनसे जितना प्यार करो कम है जब हमारे साथ होती हैं तो हमें एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है और जब साथ नहीं होती तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता तो तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि अपनी माँ से प्यार क्या करें और उनकी दुआ लिया करें आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ कि ये अशार भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे तो आज की ये वीडियो उन सब और तमाम माँओं के लिए जो हम जैसों को जन्म देती हैं और हमारे जैसे बहुत सारे होते हैं जो अपनी माँओं से बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि जन्नत माँ के कदमों में है माँ की हजमत को भी सलाम मेरा और हम सब तमाम दोस्तों की तरफ से भी और मेरी आई टी टीम की तरफ से भी हैप्पी मदर्स डे आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी और आप लोगों का प्यार हमेशा मुझे ऐसी तरह चाहिए आपकी सपोर्ट से आपके प्यार की वजह से मैं यहाँ तक हूँ इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नगेबान मेरे सामने जो इतनी प्यारी जनता है लाइक सब्सक्राइब तो बनता है